कोरोना वायरस से न केवल जन हानि बल्कि बड़ी संख्या में अर्थव्यवस्था को भी नुकसान पहुंच रहा है। 21 दिन का लॉकडाउन हो चुका, लेकिन अभी लॉकडाउन समाप्त होने के आसार नहीं नजर आ रहे। व्यापारियों के साथ किसान भी परेशान है। कसरावत तहसील के और आसपास के किसानों के खेतों में तरबूज और खरबूजों की फसलें लगी हुई है जो अब सड़ रही है। कोरोना महामारी के चलते इंदौर संभाग की सभी बड़ी मंडियां बंद पड़ी है। किसान अपनी फसलें नहीं ले जा सकते, जिसके कारण किसान अपने खेतों में ही फसलों के नष्ट होने लगी है। किसान बारिश से फसलों के नुकसान से अभी तक उभरा ही नहीं था और ना ही किसानों का कर्ज माफ़ हुआ था। जिन किसानों के तीसरे चरण के कर्ज माफ़ होना चाहिए वह भी नहीं हुए, इस कारण किसान चिंतित है। किसान द्वारा जो तरबूज और खरबूजे की फसलें खेतों में पड़ी है और धीरे धीरे सड़ रही है, उनको सरकार द्वारा या तो मंडी ले जाने दिया जाए या फिर उसका मुआवजा दिलाया जाए। कसरावत से अकील खान की रिपोर्ट। तरबूज की फसलें हैं जी, ये बाहर ले जा रहे हैं या बिक रही है? अभी नहीं, अभी कुछ नहीं बिक रही है, ना मंडी बिक रही है, ना दलाल व्यापारी कुछ नहीं आ रहे हैं। एक बीमारी की वजह से आप फसल हमारी नुकसान हो रही है। अब कर्जा लिया हुआ है तो उस पर बीज बोया हुआ है, वही फसल है। तरबूज है, लाखों रुपए की हमने फसल बोई है, उसमें कर्जा है, दवाई है, कीटनाशक है, बीज है, मल्चिंग वगैरह है, ये हमारे पास अब देने के लिए कुछ नहीं है। अब माल नहीं बेचेंगे तो माल वैसे कहाँ से आएंगे? अभी कोई नहीं, अभी तक अभी तुम सर तुम्हारे लेने आए? नहीं, कोई नहीं आया, क्यों? वो बोल रहे ना कि अब आए तो अब आगे लॉकडाउन में बीमारी है इसलिए अब कोई नहीं आ रहे, ना मंडियाँ बंद चालू है, ना कुछ है। अब जाए कहाँ, ले कहाँ जाए? अब माल तो नुकसान हो ही रहा है, मतलब पूरे तरीके से माल खराब हो गया। खराब हो गया पूरा माल। अच्छा, क्या नाम है आपका? शिव शंकर, पिता श्रीराम, निवासी दोगावा, तहसील कसरावत, जिला खरगोन। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।